बाबा ताजुद्दीन इसका 100वां सालाना उर्स शुरू है। इस दौरान ट्रस्ट द्वारा विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उसी श्रृंखला में समाज में सर्वधन संभव और अमन शांति का संदेश देते हुए इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां सभी धर्म के धर्मगुरु इस इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। साथ ही यहाँ से पूरे देशवासियों को भारत की एकता और अखंडता का संदेश दिया है। और नागपुर शहर वासियों की तरफ से इनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। क्योंकि समय काफी हो चुका है, इतने लोगों का इंट्रोडक्शन देने के लिए काफी समय लग जाएगा, तो जो हमारे एंकर है वो आपको सारे लोगों के बारे में बता देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंडिया का एक पहला ऐसा एक दरगाह बनने जा रहा है कि जो इस टाइप का कॉन्फ्रेंस अरेंज कर रहा है, तो देश में पहला दरगाह होगा कि यहाँ का एक ऐसा पैगाम जाए कि जो हमारे सरकार हजरत बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की एक सोच थी। हिंदुस्तान में ये एक ऐसा ट्रस्ट है जहाँ पर हर समाज का एक व्यक्ति, हर धर्म का एक व्यक्ति इस ट्रस्ट में, 9 जात के 9 ट्रस्टी है, तो वही काम हम लोग भी कर रहे हैं कि जो बाबरी धागे में कई अनेक मोती पिरा कर रखे है उसको हम वापस से पिरोने का काम कर रहे हैं। समय की कमी रहने के कारण बहुत सारे स्पीकर्स हैं और सबको बोलना है, तो मैं अपने 2 शब्द यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद। तो तुम कौन होते हो? सबके दरमियान अंतर करने वाले, ये इंसान के लिए जरूरी है, ये देश के लिए जरूरी है, ये पूरी दुनिया के लिए जरूरी है कि सब एक दूसरे का सम्मान करें। ये बातें जो मैं कह गया, ऐसा मत समझिएगा कि कुरान इसके खिलाफ है और हम लोग कुरान के खिलाफ बात करने आए हैं, या हम लोग किसी धर्म के ग्रंथ के विरुद्ध बोल रहे हैं। कुरान ने हमें सिखाया है, लकुम दीनुकुम वलियदीन, याद रखो मेरा धर्म कुछ है, तुम्हारा धर्म कुछ और होगा, इनका धर्म कुछ और होगा। धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन अलग अलग धर्मों के साथ कैसे चला जा सकता है ये सिखाया है इस्लाम ने। और जो इस्लाम का नाम लेकर दूसरों के साथ सही तौर पर जीना नहीं सीख सका, उसने सब कुछ सीखा इस्लामी नफी। व्यक्ति जो यहाँ पे बोल रहा हूँ, पर मैं गीता के 12वें अध्याय से शुरू करूंगा, क्योंकि वो जो वासुदेवाय कुटुंबकम का मैसेज, दैट द वर्ल्ड इज वन ग्लोबल विलेज वन फैमिली, उसका मैसेज बहुत आगे लेके जाता है। संस्कृत में कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धेभ्यो मद्भक्तः समीप्रियः। अव्यक्त को भजते की जो धरते तुम्हारा ध्यान है, उन योगियों में योगवेता क्षमाशील महान है, कहता उन्हीं में श्रेष्ठ मुझ में चित्त जो धरते सदा, जो युक्त हो श्रद्धा सहित मेरा भजन करते सदा। सो द 12th चैप्टर आस ऑफ लॉर्ड अर्जुन आस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हु इज हिज फेवरेट भक्त, हिज फॉलोअर, एंड ही सेज द वन हु गिव्स हिमसेल्फ अप टू मी, नॉट थ्रू रिचुअल, नॉट थ्रू प्रेयर, नॉट थ्रू डॉगमा, नॉट थ्रू एनीथिंग दैट वी डू इन द मटीरियल वर्ल्ड, but through dhyan, soch, and an utter leaving himself to God, to that one. And I think that's the Sufi message as well, to just give up your control. Aham ego ko chhod ke jab ab aake chalte hain, we become one with the Creator, and we see one in the other, and we see one in ourselves, and then we become one with the one. पर नवाया है, उनको अपनी श्रद्धांजलि दी है, उनको ये पैगाम दिया है देशवासियों को, आओ चलें, मिलकर चलें, एक साथ चलें, और भारत की एकता अखंडता जो हमारी पहचान है, ये वह गुलदस्ता है
जो इकट्ठा रहता है, भांति भांति के रंग बिरंगे फूल होते हैं, ये मेरी पहचान है दुनिया में। आपकी चाहे मुस्लिम धर्म को मानने वाले हों, मैं जो सनातन को मानने वाला हूँ, किसी और धर्म को मानने वाला हूँ, मगर दुनिया के किसी भी कोने पर हम जाते हैं तो सर उठाकर बोलते हैं कि हम भारतीय हैं। आओ मिलकर बाबा के चरणों में ये अरदास करें जो वो चाहते थे। हजरत बाबा ताजुद्दीन का 100वां सालाना उर्स शुरू है। इस दौरान ट्रस्ट द्वारा विविध धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी तहत जो है इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन यहां किया गया है, जहां पर सभी धर्मों के धर्मगुरु यहां आज मौजूद है और इस दौरान यहां से भारत को और देशवासियों को एक ही संदेश दिया है, भारत की अखंडता का, एकता का और सर्वधर्म समभाव का संदेश आज इस प्लेटफॉर्म से देश भर में दिया गया है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।